हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी को जिसका नाम है प्रेटी वुमैन, जिसे डायरेक्ट किया है गैरी मार्शल ने। और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में जो है 7/10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एडवर्ड नाम के बंदे को देखते हैं और यहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है। एडवर्ड एक बिजनेसमैन है और बहुत ही हैंडसम बंदा है। वो डायरेक्ट कंपनी को बेचता और खरीदता है। इस पार्टी में एडवर्ड की गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन वो इस पार्टी को छोड़कर जा रही थी क्योंकि एडवर्ड उसे टाइम नहीं दे पाता। इसके कुछ टाइम बाद एडवर्ड भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एडवर्ड की कार पार्किंग में फंस जाती है। फिर वो अपने लॉयर से एक स्पोर्ट कार की चाबी मांगता है और वो उसे लेकर चला जाता है, लेकिन एडवर्ड अपने होटल का रास्ता भूल जाता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बिबियन होता है। वो एक प्रोस्टिट्यूट होती है और उसे नीचे से अपने मकान मालिक के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो सबसे रेंट मांग रहा होता है। विवियन अपने पैसे चेक करती है, लेकिन उसकी रूममेट ने उसके सारे पैसे चुरा लिए हैं, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से भाग जाती है। रास्ते में उसे पता चलता है एक प्रोस्टिट्यूट मारी गई है। फिर वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसे पूछती है उसके पैसे किधर हैं। फिर उसे पता चलता है उसकी फ्रेंड सारे पैसे जुए में हार गई है। इसके बाद वो कोई कस्टमर ढूंढने लगती है और उसी जगह एडवर्ड भी अपना होटल ढूंढते हुए आ जाता है। जब बिबियन उसकी कार देखती है तब उसे लगता है उसे कस्टमर मिल गया। वह एडवर्ड के पास आती है और एडवर्ड उससे रास्ता पूछता है। फिर वो उसे $5 के बदले रास्ता बताने के लिए कहती है। एडवर्ड को उस पर यकीन नहीं होता। फिर वो उससे $10 मांगती है। एडवर्ड के पास कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए वो उसे पैसे दे देता है। इसके बाद वो उसकी कार में बैठकर उसे होटल का रास्ता बताने लगती है। एडवर्ड ने आज से पहले कभी भी स्पोर्ट कार नहीं चलाई थी। वो इसे ठीक से ड्राइव नहीं कर पाता, लेकिन विवियन को इस कार के बारे में सब कुछ पता है क्योंकि उसके फ्रेंड इन कार्स को बेचने का काम करते थे। इसके बाद एडवर्ड का होटल आ जाता है और विवियन बाहर बैठकर कैब का वेट करने लगती है। इसके बाद एडवर्ड उसके पास आकर कहता है, तुम एक रात का कितना चार्ज करती हो। वो उसे $300 बताती है। एडवर्ड उसे होटल के अंदर ले जाता है। फिर होटल को देखकर विवियन बहुत खुश हो जाती है। एडवर्ड उसे अपना कोट पहनने के लिए देता है क्योंकि उसके कपड़े काफ़ी मिनी थे। फिर वहाँ पर एक कपल विवियन को देखकर अनकंफर्टेबल होने लगता है। विवियन भी उन्हें देखकर चढ़ाती है। फिर रूम के अंदर आकर वो फटाफट एडवर्ड के कपड़े उतारने लगती है, लेकिन एडवर्ड अभी रेडी नहीं था। वो उससे बातें करना चाहता था। तभी विवियन कहती है वो बातें करने का भी चार्ज करती है। एडवर्ड फिर उससे पूछता है, तुम्हारे लिए टाइम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। वो उसे पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है। विवियन बाथरूम में जाती है। एडवर्ड भी उसके पीछे आ जाता है। उसे लगता है विवियन ड्रग्स ले रही है, लेकिन जब वो उसके हाथ में चेक करता है तब वो डेंटल फ्लॉक्स होता है। उसे दांत साफ करना पसंद है। एडवर्ड को विवियन बहुत अजीब लगती है, लेकिन उसकी मासूमियत एडवर्ड को पसंद आती है। इसके बाद हम देखते हैं विवियन टीवी देखने लगती है और एडवर्ड विवियन को देखने लगता है। फिर विवियन एडवर्ड के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिप्स पर किस नहीं करूँगी। उसके बाद दोनों गपागप करने के लिए शुरू हो जाते हैं। अगली सुबह एडवर्ड नोटिस करता है विवियन के असली बाल उसकी बिग से काफ़ी अच्छे हैं। एडवर्ड ने नाश्ते में बहुत कुछ मंगवा लिया था। विवियन उसे देखकर सरप्राइज्ड हो गई क्योंकि आज से पहले उसने इतना सारा खाना एक साथ नहीं देखा था। वो उसके बारे में उससे पूछती है। एडवर्ड उसे बताता है कि वो कंपनी को खरीदता और बेचता है, लेकिन विवियन को कुछ समझ नहीं आता और वो नहाने चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एडवर्ड को अपने फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताता है एक बहुत बड़ी कंपनी जिसमें एडवर्ड इंटरेस्टेड था। एडवर्ड काफ़ी सालों से उसे कंपनी को खरीदना चाहता था। उसकी मीटिंग एक बड़े होटल में थी और उसका फ्रेंड उस मीटिंग के लिए एक खूबसूरत लड़की को उसके साथ ले जाने के लिए कहता है। एडवर्ड विवियन को अपने साथ ले जाने की सोचता है और वो विवियन से उसके एक हफ्ते का चार्ज पूछता है और विवियन $3,000 में मान जाती है। इतने सारे पैसे एक साथ मिलने की वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद एडवर्ड उसे पैसे दे देता है और उसे कहता है, अपने लिए शॉपिंग कर लो। वो अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए एक शॉप के अंदर जाती है, लेकिन वहाँ की सेल्स गर्ल उसे पहचान जाती हैं। उन्हें लगता है वो ये सब कुछ नहीं खरीद सकती। वो विवियन की इंसल्ट करके उसे शॉप से निकाल देती हैं। विवियन वापस होटल आती है और होटल का मैनेजर उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो। वो बताती है वो एडवर्ड के साथ है। मैनेजर नहीं चाहता कि विवियन उसके होटल में रुके, लेकिन विवियन एडवर्ड के साथ है इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। वो विवियन से कुछ अच्छे कपड़े पहनने को कहता है। विवियन कहती है, मैं खरीदने के लिए गई थी, और वो रोने लगती है। मैनेजर को उस पर तरस आने लगता है। वो अपनी पहचान की शॉप पर कॉल करता है जहाँ विवियन की काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती है, और वो वहाँ से अपने लिए नए कपड़े खरीद लेती है। एडवर्ड विवियन को कॉल करके बताता है कि उसे कब चलना है।
विवियन को टेबल मैनर्स नहीं आते, जिसमें मैनेजर उसकी हेल्प करता है। एडवर्ड जब विवियन को लेने के लिए आता है तब वो उसे पहचान नहीं पाता, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद वो डिनर के लिए जाते हैं, जहां उनकी मीटिंग एक ओल्ड मैन और उसके ग्रैंडसन के साथ थी। विवियन टेबल पर स्पून देखकर फिर से कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो ओल्ड मैन अपने हाथों से खाने लगता है, विवियन भी उसे देखकर अपने हाथों से खाने लगता, लेकिन मीटिंग अनसक्सेसफुल रहती है। एडवर्ड को वो ओल्ड मैन अपनी कंपनी नहीं भेजता, जिसकी वजह से एडवर्ड काफ़ी अपसेट हो जाता है। मैं और तुम एक जैसे हैं, तुम भी पैसों के लिए कुछ भी नहीं सोचती, विवियन एडवर्ड से कहती है। जब वो उसके साथ होती है उसे काफ़ी अलग फील होता है, जैसा उसे आज तक नहीं हुआ। इसके बाद हम देखते हैं एडवर्ड को नींद नहीं आती, इसलिए वो पियानो बजाने लगता है। विवियन भी वहाँ पर आ जाती है और दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह एडवर्ड विवियन को कहता है, तुम्हें एक हफ्ते के लिए शॉपिंग करनी थी और तुम्हें एक ड्रेस खरीद कर आ गई। विवियन उसे कहती है वो एक शॉप पर गई थी जहाँ उसे शॉपिंग करने से मना कर दिया गया। एडवर्ड को सुनकर काफ़ी बुरा लगता है और वो उसे एक बड़ी सी शॉप पर लेकर जाता है। वो विवियन से कहता है, तुम इन लोगों को सिर्फ क्रेडिट कार्ड दिखाओ और ये सारे लोग तुम्हारे आगे पीछे दौड़ेंगे। फिर एडवर्ड शॉप के मैनेजर से सबसे अच्छी आउटफिट दिखाने के लिए कहता है। इसके बाद विवियन उसी शॉप पर आती है जहां उसे पहले शॉपिंग करने से मना कर दिया गया था। फिर वो उन सेल्स गर्ल्स की बाट लगा देती है और उन सेल्स गर्ल्स को बहुत अफसोस होता है कि उन्होंने इतना अच्छा कस्टमर हाथ से निकाल दिया। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं एडवर्ड और विवियन एक साथ नहा रहे होते हैं। फिर एडवर्ड उसे अपने बारे में बताने लगता है। वो कहता है उसके फादर की अभी अभी डेथ हुई है और वो उनसे नफरत करता था क्योंकि वो एक दूसरी औरत के लिए उसे छोड़कर चले गए थे और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में से उसे कुछ भी नहीं दिया, इसलिए उसने अपने फादर की कंपनी भी खरीद ली है। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन एडवर्ड के लॉयर ने एक पार्टी रखी थी और उस पार्टी में उस ओल्ड मैन का ग्रैंडसन भी था। वो विवियन से बातें करने लगता है, जिसे देखकर लॉयर को शक होता है कि विवियन उस ओल्ड मैन के ग्रैंडसन से मिली हुई है, इसीलिए एडवर्ड उस कंपनी को खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है। इसके बाद वो एडवर्ड से पूछता है कि विवियन कौन है और वो तुम्हें कहाँ मिली। एडवर्ड उसे सारी बात सच सच बता देता है। इसके बाद लॉयर विवियन के पास आता है और उसे कहता है पार्टी के बाद मुझे कॉल करना। विवियन को इस तरह से लॉयर का बात करना उसे अच्छा नहीं लगता और वो होटल वापस आती है। विवियन बहुत गुस्से में होती है। एडवर्ड उसे पूछता है क्या हुआ, फिर विवियन उसे सारी बात बता देती है। वो एडवर्ड से कहती है तुम्हें इस तरह से सबके सामने मेरी इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। वो अपना सामान उठाकर जाने लगती है और एडवर्ड के दिए हुए पैसे उसे वापस करने लगती है। एडवर्ड उसे समझाता है कि उसने गलती से सब कुछ लॉयर को बता दिया। इसके बाद विवियन मान जाती है और रात में दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एडवर्ड और लॉयर साथ में होते हैं और एडवर्ड विवियन के साथ डेट पर जाने वाला होता है, लेकिन लॉयर को ये बात समझ नहीं आती कि वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ डेट पर क्यों जाना चाहता है। फिर हम देखते हैं एडवर्ड विवियन को एक खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट करता है। इसके बाद दोनों न्यूयॉर्क में ओपेरा देखने के लिए आते हैं। फिर विवियन यहाँ पर आकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और एडवर्ड से कहती है कल तुम ऑफिस मत जाना, हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। एडवर्ड भी वैसा ही करता है, दोनों साथ में फुल डे इंजॉय करते हैं। और रात में जब एडवर्ड सो रहा होता है तब विवियन उसके लिप्स पर किस करती है, जो उसने आज से पहले किसी को नहीं किया था। एडवर्ड जाग जाता है और फिर दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। फिर विवियन अपने प्यार का इजहार कर देती है। इसके बाद अगली सुबह एडवर्ड विवियन से कहता है 1 वीक पूरा हो चुका है, अब तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे और एक फ्लैट खरीद कर दे दूंगा, तुम वहीं रहना। लेकिन विवियन को ये बात सुनकर बहुत ही चीप लगता है और वो एडवर्ड को मना कर देती है। इसके बाद एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं विवियन अपने फ्रेंड के साथ होटल में होती है और उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है मैं और एडवर्ड कभी एक साथ नहीं हो सकते। उसकी फ्रेंड कहती है ऐसा नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। वो उसे सिंड्रेला का एग्जाम्पल देती है और दोनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एडवर्ड की मीटिंग उस ओल्ड मैन के साथ चल रही होती है और उसे अब वो कंपनी मिलने वाली है। वो उस ओल्ड मैन से कहता है मैं तुम्हारी कंपनी खरीद लूंगा, लेकिन हम दोनों इस कंपनी को एक साथ चलाएंगे। ये सब सुनकर लॉयर काफ़ी भड़क जाता है और होटल आ जाता है, जहां पर विवियन अकेली बैठी हुई होती है। उसे लगता है ये सब विवियन की वजह से हुआ है। वो विवियन के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर एडवर्ड आ जाता है और लॉयर को बहुत मारता है। इसके बाद एडवर्ड विवियन से कहता है अगर तुम रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो, लेकिन विवियन कहती है मुझे जाना चाहिए। विवियन कहती है जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिली थी तब मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन अब मैं तुम्हें जान चुकी, तुमसे प्यार करने लगी हूँ, अब मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, उसे बस उसके साथ रहना है। इसके बाद फिर विवियन चली जाती है और अपनी फ्रेंड से कहती है अब वो ये काम नहीं करेगी और यहाँ से चली जाएगी और जो पैसे उसे मिले हैं वो इन पैसों से अपनी स्टडी पूरी करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं एडवर्ड काफ़ी अपसेट होता है। वो होटल से चेकआउट करने वाला होता है और मैनेजर उसके लिए एक ड्राइवर बुलाता है और कहता है ये वही ड्राइवर जिसने विवियन को उसके घर पर छोड़ा था। इसके बाद अगले सीन में हम एडवर्ड को फिर विवियन के घर के बाहर देखते हैं और वो सीढ़ी चढ़कर विवियन के पास आता है। विवियन भी नीचे आती है और दोनों किस करते हैं। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।